दफातर में से कुछ दफ्तर हो तो हर एक जगह के अपने अपने
कवायद जवाबित भी हुआ करते हैं। इसी तरह अल्लाह का जो घर है इसके भी कुछ आदाब हैं, जवाबित हैं, जिसको प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मुकाबात पर बयान फरमाया है। जिस तरह के मसाजिद को बनाना और बनाने वाले उनके मुताबिक हम सुन चुके हैं, तो जब मसाजिद तामीर हो जाए तो फिर सबसे पहले इसकी आबादकारी की जो है वो फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह के हम अपने घरों को आबाद करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह रब के घर को आबाद करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, ड्यूटी है। तो अजीज साहबीन, मस्जिद के जो आदाब हैं, सबसे पहले तो मसाजिद की जो सफाई सुथराई है इसका ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ अल्लाह के घर का ही लिए खासा नहीं है, किसी की ज़रूरत है, बल्कि हर घर, हर जगह, ज़मीन का हर किता जो है वो पाक साफ ही होना चाहिए, सफाई ही अच्छी हो तो नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह मसाजिद के अंदर जो है सफाई सुथराई का ख्याल करना ये अज हद ज़रूरी है, लाजम मंजूम है, और इसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने हाथों से काम करूँ, आपको चाहिए आप करें, क्योंकि ये खिदमत दीन है, खिदमत मस्जिद है, और हमारे लिए इबादत भी है, सआदत भी है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना इस्माईल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस बात का अहद लिया था कि अंत हिरा बैदिया लिताइफीना वलाकिफीना वरुका इस्सुजूद, कि अल्लाह हम तेरे घर को यहाँ पर इतिकाफ करने वाले, तवाफ करने वाले, यहाँ पर इबादत करने वाले, रुकू व सुजूद करने वालों के लिए इसकी तहारत का भी ख्याल करेंगे, इसकी सफाई सफाई का भी ख्याल करेंगे। तो इसी तरह उसके बाद भी जितनी मसाजिद है कहीं पर भी है तो उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, और ये सआदत मंदी, और जो सआदत होती है आपको पता है ये हर एक हिस्से में नहीं आती, ये चुने गिने लोग हुआ करते हैं जिनको अल्लाह कोई खास तौफीक अता फरमा दे, या समझिए कि जिससे मोहब्बत कर ले, ये प्यारी चीज़ है तो प्यारी चीज़ उसी को दी जाती है जिसके साथ कोई खास लगाओ, प्यार और मोहब्बत, कोई मुद्दत और उल्फत हुआ करती है। तो शायद हम इसको मामूली समझ बैठे हैं और हमने रख लिए खादिम, मसाजिद के खादिम रख लिए कि बस भई अब लोग जो हैं ज़रा शायद पता नहीं उनका कोई स्टेटस मायार बुलंद हो चुका है, तो आप कोई खादिम रखते हैं उसको पैसे वैसे देंगे और वो सफाई कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी अल्लाह के घर का इन बातों में ख्याल करता है तो यकीनन कायनात का रब इतनी बुलंदी अता फरमाएगा कि लोग जो हैं फिर उसके ऊपर आशीष कर उठेंगे कि बुलंदी और कोई मयार मिला है तो इसको मिला है। आप जानते नहीं हैं कि सैयदना खलील अलैहिस्सलाम और हजरत ज़बीहुल्लाह इस्माईल आज दुनिया जानती है, याद करती है उनको, तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह के घर की सफाई सफाई का ख्याल किया है। तो आज तक हजारों साल गुजर चुके हैं, न उस वक्त कोई अखबार का दौर, न टीवी का दौर, न कोई ऐसी मेमोरी के जिसके अंदर कोई चीज महफूज की जा सकती थी, लेकिन रब अपने बंदों को कभी भूलने नहीं देता, कायनात में उनका नाम जिंदा होता, बिंदा रहता है। लेकिन कोई अल्लाह का हुक्म करके तो दिखाए। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ 3 साल
नबी रहमत सल्लम की सोबत में रहे हैं और सबसे ज्यादा हदीस पढ़ने वाले अहदीस को पढ़ते हुए उनका नाम लेते हैं। क्यों? कि उन्होंने इस चीज से मोहब्बत की अल्लाह उसके रसूल सल्लम की बातों से और उनको हिफ्ज किया और पढ़े हुए रहते थे। आज सबसे ज्यादा उन्हीं से मर्जियात मिलती है प्यारे आकाए सलाम। तो अल्लाह ने उनका नाम आखिरी सालों में आए हैं तो जिंदा और कबिंदा हद से आजम है इस उम्मत के। तो इसलिए जो अल्लाह के लिए जीना सीख देता है तो फिर अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमा देते हैं। जिस तरह पिछले खुतबा जुम्मत मुबारक में मैंने वो हदीस जिक्र की थी अहबाब के सामने कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की सफाई करने वाली एक खतून थी, हबशिया की, काले रंग की थी, फौत हो गई, इग्नोर करके दफना दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो नजर न आई तो आपने पूछा किधर है भाई? कहा फौत हो गई थी, दफना दिया है। तो आपने फरमाया ऐसे ही दफना दिया है, हमें खबर भी नहीं कर दी तुमने। इतनी कोई गैर मामूली नहीं थी, रंग की काली थी, हबशिया थी, जरूर थी, लेकिन उसकी दोस्ती और उसने सबसे बुलंद जो जात है उसके घर की सफाई करने को अपना जो है वो मायार बना लिया था तो कायनात के रब ने उसको कोई ऐसे जाया नहीं कर दिया। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया था तो भी अदा करी था कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। और खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा करके सहाबा को खड़ा किया और वहां नमाज जनाजा अदा की है कब्र के ऊपर। उसको मामूली होती तो यकीनन आज अहदीस में उसका जिक्र कहां से आ जाता। काम बहुत बुलंद कर दी गई है, कायनात में सफाई करना सबसे शायद लो स्टेटस का काम समझा जाता है। ये उसका काम है कि ये वो सफाई वालों को बुलाओ जी यहाँ गंद पड़ गया है। हम खुद नहीं, हम गंद डालने वाले, वो साफ करने वाले, और उनका स्टेटस काम था और हम गंद डाल करके भी आता स्टेटस पे ऊपर अपने आप को शुमार कर लेते हैं। ऐसी दो रंगी हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले मसाजिद का ख्याल किया जाए और इसकी इसके अंदर गंद ना डालना चाहिए, इसकी सफाई सफाई का ख्याल किया जाए। जिस तरह हम अपने ऊपर लगी हुई गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मट्टी लग जाए हल्की फुल्की तो हम फौरी झाड़ते हैं, साफ सुथरा करके छोड़ते हैं, तो मसाजिद का भी यही इससे भी ज्यादा ख्याल करना चाहिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के मुतालिक मिलता है एक वाकया। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे, एक तिनका पकड़ा तो मस्जिद से उठाया तो उस तिनके को जो है बल्कि अपने पास था शायद उस मस्जिद में फेंक दिया। ख्याल आया कि जो चीज मेरे हाथ में अच्छी नहीं लगती, मेरी जेब में अच्छी नहीं लगती, वो मस्जिद के अंदर फेंक रहा हूँ, यहाँ कैसे अच्छी लगेगी। और ही उठाया और अपनी जेब में डाल दिया और बाहर जाके खड़े हो गए। तो ये एक छोटी छोटी चीजें होती हैं मेरे अजीज दोस्तों के जिसके करने से इंसान जो है मराज पा जाता है, बुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता कर देते हैं। और मसाजिद के अंदर हर किस्म की कोई भी गंदगी हो उसको साफ सुथरा करना चाहिए। हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे कि मस्जिद के अंदर एक देहाती आ गया, उसने आकर के पेशाब करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको आवाजें शुरू कर दी, आवाजें दी कि रुक जा भाई रुक जा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुज़रिबूहु दाऊहु, इसे मत रोको टोको, ये जो कर रहा है करने। देहाती था, बुद्धू था, जानता नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि आपने फरमाया इसको कर लेने दो, अपना रुक। जब ये बैठ ही गया है तो बीमारी लगने का भी खतरा है और फिर इस चीज को रोकना जो है वो अच्छा भी नहीं है, तो इसको कर लेने दो। फिर जब उसने किया तो आपने फरमाया मेरे भाई इन हाजिह المساجد لا تسلم لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله। ये मसाजिद गंदगी के लिए नहीं है भाई, ये पेशाब के लिए नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, तिलावत करने के लिए है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज भी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मसाजिद को सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल करके तो चले जाते हैं।
ये तो नमाजियों के लिए सहूलत है कि चलो भाई, वैसे तो मैं हदीस पिछले जुमे बयान कर चुका था हूं के बल्कि जो घर से वजू करके आता है वो घर से फारिग होकर के आता है मस्जिद में आके नहीं, उसको लिए वो नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख छोड़ी है, उसके लिए फजीलत है कि हर कदम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खता माफ करते हैं, दर्जा बुलंद फरमा देते हैं जो घर से वजू करके आता है। तो ये तो एक सहूलत दी गई है कि चलो भाई कोई बाहर से आया मेहमान आया राहगीर गुजरते हुए नमाज की हाजत है तो चलो आ गया और उसने कर लिया, उसके लिए सहूलत है। लेकिन जो है तो इस सहूलत को समझते हैं शायद ये मस्जिद बनी इसलिए, वो ये ना भी हो तो मस्जिद मस्जिद ही है, मस्जिद गुजारा चलना चाहिए। तो अब अफसोस है कि लोग इस काम के लिए तो मसाजिद का रुख कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि मस्जिद के अंदर आकर के भी इंसान रब के जिक्र से गाफिल होकर के वापस पलट गया। इससे बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता है जो घर से आया ही नहीं है, जिसको घर से उठने की तो फीक नहीं, लेकिन एक वो है कि जो मस्जिद तक आ गया और वैसे ही बाहर चला गया, अल्लाह अकबर। तो इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक डोल पानी का मंगवाया और उसके पेशाब के ऊपर बहा करके उसको साफ कर दिया। तो आपसे सल्लम ने उससे नहीं साफ करवाया, सहाबा से साफ करवा दिया। तो कोई आकर के अगर इस्तेमाल करके चले जाता है तो हम उसको अगर साफ कर दें धो दें तो इंशाल्लाह अजीज हमारी इज्जत में कोई हर्फ नहीं आने वाला, इंशाल्लाह अजीज बड़े बड़े। हम कितने ऐसे उलमा को जानते हैं कि जिनके हालात ये थे, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए कि मसाजिद की सफाई सुथराई हो जाया करती और बल्कि लैट्रीनों की सफाई, तो पता ही ना होता कि भाई कौन कर जाता है आकर। तो फिर जब ट्रेस किया जाता तो वो निकल लेते कि फलां आलम दीन साहब हैं, वो तहज्जुद के वक्त फजर से पहले ही कहीं उठे हैं, तो जहां पर अपनी सफाई सुथराई करनी थी वहीं पर मसाजिद की लैट्रीनों को भी साफ कर दिया होगा, हमने देख लिया। तो अल्लाह ने उनको बड़ा बड़ा उज्र अता फरमाया है अल्लाह के लिए, अल्लाह अकबर। और हदीस में भी आता है जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार कर लेता है, आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, फिर अल्लाह उसको सरैया की बुलंदियों तक उठा कर ले जाते हैं, अल्लाह को। तो मेरे अजीज दोस्तों इसलिए खुद आगे बढ़िए कि भाई हमने मस्जिद की सफाई करनी है, सुथराई का ख्याल हमने करना है, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा हिस्सा डाल करके कभी चले जाइए इंशाअल्लाह अजीज। और फिर उसके बाद हम से दुआ भी कभी मांग लीजिए, इलाहुल आलमीन मैंने तेरे घर को साफ कर दिया है, अल्लाह तू मुझे भी साफ कर दे, मुझे भी पाक कर दे, गुनाहों से कर दे, बीमारियों से कर दे, अल्लाह फला मसला है तेरे घर का ये मसला था मैंने दूर कर दिया तू भी कर दे। बस कोई वास्ते डालना है ना, कोई किसी के लिए मतलब है आगे से कोई चीज रख दी जाए तो ऐसे है तो ऐसे कर दिया, ऐसे भी तरह तो अल्लाह के सामने ऐसे भी तरले और मिलते की जा सकती। तो मेरे अजीज दोस्तों इसी तरह मस्जिद के अंदर कोई मजबूतदार चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और खा के भी नहीं आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अकल सौमन व गसल फलयअतज़िना अव यक्तज़िन मस्जिदना व लियक़ुद फी बैतिही। जिस शख्स ने कच्चा लहसुन या प्याज या कोई मजबूतदार जिससे स्मेल आती है तो वो चीज खाई है जो अपने घर के अंदर बैठे जब तक खत्म नहीं हो जाती, क्यों के मस्जिद के अंदर फरिश्ते भी नाजिल होते हैं, फरिश्ते भी आए हुए होते हैं। इंशाल्लाह हमें यकीन है इस वक्त भी मस्जिद के अंदर फरिश्तों का जमघटा लगा होगा, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है हम देखे ना देखे, हमें देख कर इंशाल्लाह उतना यकीन नहीं है जितना अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए अरशाद के ऊपर यकीन है। और इंशाल्लाह यहाँ फरिश्ते मौजूद हैं, आपने फरमाया जिन चीज़ों से तुम्हें अजीयत पहुँचती है उस नूरानी आसमानी मखलूक फरिश्तों को भी पहुँचती है, इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके मस्जिद में ना आए। फिर मस्जिद में जब आए तो कोशिश करें साफ सुथरा अच्छा लिबास पहन करके आए। कुछ लोग होते हैं गर्मियों का मौसम आ जाए
तो वो एक चादर पहनते हैं, लुंगी पहनी, ऊपर एक बनियान सी डाली और वैसे ही खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यही लिबास पहन करके वो किसी बड़े इमाम दुनियादार को मिलने के लिए जाए? घर से नहीं इंसान निकलता, भाई ठहर, जो मैंने जो कपड़े डाले हुए हैं वो बाहर निकलने के काबिल नहीं है, चाहे वो इतने ब्रांडेड और अच्छे ही क्यों ना हैं, महंगे क्यों ना, लेकिन पहले बना हुआ मायार है उसको इंसान महफूज रखता है। इसलिए जब मस्जिद के अंदर आया जाए, अच्छे कपड़ों का कोशिश हो के इहतमाम किया जाए, और इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए नमाज के लिए। जिस तरह किसी को कह दे जी कहो भाई नमाज पढ़े, कारी साहब कपड़े ही खराब हैं, कपड़े ही ठीक नहीं है, और पता नहीं कितनी देर से ठीक नहीं। एक कल परसों एक मैं देख रहा था वीडियो, एक आदमी कह रहा था कि 15 साल से नमाज फजर नहीं मैंने अदा की, 15 साल से एक नमाज छोड़ने से कितनी नहुसत इंसान की जिंदगी में आती है, तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जिसने 15 साल से ना पढ़ी हो उसका आप क्या अंदाजा करेंगे मेरे अजीज दोस्तों? तो ऐसे ही कई कई साल गुजर जाते हैं और हमारे कोई काबू आ जाए, हम ध्यान कर लाने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई नमाज पढ़ लें, तो कहता है ऐसा कपड़े नहीं ठीक, कपड़े क्या हो गए, पढ़ सकते हो? हाँ बहुत कोई नजासत और गंदी बनी चीज वाकया कर लगी है, कोई ईंट लग गई, कोई मट्टी लग गई, तो इससे कपड़े पलीद नहीं होते मेरे अजीज दोस्तों। हाँ कपड़े पहन करके अच्छे आने चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह वैसे भी फरमाते हैं या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, है आदम की औलाद तुम हर मस्जिद की तरफ आते हुए अपने आप को खूब आरास्ता कर लिया करो, अपने लिबास का ख्याल करो, खुशबू लगा के आओ, अच्छे बन कर के आओ, थोड़ा सा एहतमाम कर लिया करो, ताकि पता चले कि किसी बादशाह के दरबार में पेश होने के लिए जा रहे हैं। और बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, इन्नल्लाह जमीलु व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह बड़े खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, तो इसलिए अल्लाह ने दिया है, बनावट नहीं, तसन्नो नहीं, तकल्लुफ ना करें, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने दिया है उसको दिखाना चाहिए कि हाँ भी इतना तो मुझे अल्लाह ने अता किया है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा सल्ला अहदुकुम फलयलबस सौबैहि फइन्नल्लाह हक्कु अय्यसय्यन लहू, तुम में से कोई शख्स जब नमाज के लिए आए तो अपने दोनों कपड़े पहन करके आया करे, क्योंकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उसके लिए खूबसूरत बना जाए, खूबसूरती इख्तियार की अल्लाह के लिए मसाजिद में आते हुए, ना के शादी वलीमे के लिए। तो अल्लाह अकबर क्या किया, और जब मसाजिद के लिए तो वैसे टाइम नहीं मिलता, मिल जाए तो फिर हम बगैर नहाए धोए और खुशबू लगाए और पूरे से पूरा कपड़ा पहन करके भी आ जाए तो हम समझते कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा तकल्लुफ अगर अल्लाह के लिए कर लिया जाए तो अल्लाह ज्यादा इसके हकदार है। कजार लोगों को दिखाने के लिए इंसान करे, जब मस्जिद में दाखिल होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपसे सल्लम का मसनून अमल ये है कि दाया पांव जो है वो अंदर रखा जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा है रसूलुल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि तुम जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले दाया पांव रखो और बाहर निकलते हुए बायां पांव रखो, और जब अंदर दाखिल होना है तो सबसे पहले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना है, सलाम पढ़ना है, बिस्मि जाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फतहली अबवाब रहमती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां पर दुरूद पढ़ो, यहां पर दुरूद पढ़ो मेरे अजीज दोस्तों, यहां पर हमें पढ़ना जरूरी है, फर्ज है, लाजमी। अगर यहां नहीं हम पढ़ते तो यकीनन एक सुन्नत से महरूम ही। तो यही हमारा अकीदा है, मनहज है कि जहां पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वहां पर वैसा काम जरूर कीजिए, और जहां नहीं फरमाया वहां ना कीजिए। इसलिए जब भी कोई शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दुरूद पढ़ो, फिर ये दुआ पढ़ो, फिर बाद दाया पांव जो है वो मस्जिद के अंदर रखे, अल्लाहुम्मा फतहली अबवाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमतों के खजाने खोल दे, उसके दरवाजे खोल दे। मस्जिद आ गया,
अब मस्जिद में आगे भी कुछ लोग हैं, वो कुछ भी नहीं पा करके जाते, तो यकीनन फिर अल्लाह से ये दुआ मांग लेनी चाहिए ताकि थोड़े वक्त में अल्लाह बेशुमार रहमतों से और सवाब और अजर से जो है मुस्तवीद फरमा दे। इसी तरह बाहर निकलते हुए اللهم اني اسالك من فضلك, अल्लाह तेरे फजल का सवाल करता हूँ, अब तेरे घर से बाहर जा रहा हूँ, बाहर शैतान है, बाहर दुनियादारी है, बाहर बाजार है, बाहर धोखा ही धोखा है, ये सारी चीजें बाहर है, इसलिए तेरे फजल का सवाल करता हूँ, जहाँ भी जाऊँ जिस काम के लिए जाऊँ तेरा फजल ही फजल मेरे ऊपर हो जाए, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो जाए, तो अपने फजल के दामन में मुझे जगह अता फरमा दे। मैं बच नहीं जा सकता शैतान के वार से, लेकिन तू बचाएगा तो फिर मैं बच जाऊंगा। इसलिए बाहर निकले तो ये दुआ पढ़े, और फिर जो बाजार जाने की कैसे दुआ है मुझे याद आई, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बाजार जाकर के ये दुआ पढ़ता है, फिर बाजार में दाखिल होता है, अल्लाह उस बंदे को 10 लाख नेकियों से नवाजता है, 10 लाख नेकियां, बड़ी मुनी है हमारे लिए, इसलिए शायद किसी को याद ना, अल्लाह अकबर, तो इसको याद कीजिए इस दुआ को भी, क्योंकि बाजार हम बार बार जाते हैं, दिन में कई बार जाते हैं, तो कितनी नेकियां, यानी 10 दफा शायद वैसे तो जाना ही अच्छा नहीं बाजार, लेकिन इंसान इसीलिए चला जाए यार 10 लाख नेकी मिलती है, तो एक दिन में 10 दफा बंदा वैसे ही चला जाए बाजार में, इसलिए आ रहा हो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको सलाम सलाम को आम करो, हुक्म था, बड़ी नेकियां मिलती हैं, तो सहाबा सिर्फ इस वजह से, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वहां लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा दफा सलाम करेंगे, ज्यादा नेकियां मिल जाएगी, इसलिए बाजार चले जाते हैं। तो हम भी अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हम सिर्फ 1 करोड़ हर दिन नेकी कमाने के लिए चले जाए, 10 दफा चले जाए, और बाजार कौन से दूर है, दुकान है बाजार ना, कोई 2-4 दुकानें जहाँ पर है, इसीलिए इसी तरह फिर जब इंसान मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह तौफीक दे, तो तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर ना बैठा, तहियतुल मस्जिद कम से कम 2 रखते, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो फर्ज में आकर के शामिल हो गया, बाज़ अहबाब जो हैं वो पहले पढ़ते हैं फिर फर्ज नमाज में शामिल होते हैं जमात में, और जमात जाती रहती है, ये तो अच्छी बात नहीं है, इससे भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जमात हो रही बंदा अपने अकेले नमाज पढ़े, ये नहीं है, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तो अल्लाह के बंदो जब आओ, तो अगर आप फर्ज के अंदर शामिल हो गए हैं तो ये भी आपकी तहियतुल मस्जिद है। अगर कोई किसी नमाज की सुन्नतें हैं, यानी कि 4 सुन्नतें जोहर से पहले पढ़नी है, तो वो सुन्नतें आप अदा कर लेते हैं, वो भी तहियतुल मस्जिद है। एक शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा अरशाद फरमा रहे थे, उस वक्त तशरीफ लाया, तो आप ने उससे पूछा कि अल्लाह अकबर, कि तूने 2 सुन्नतें अदा कर ली, नमाज पढ़ ली है, उसने कहा ना, आपने कहा फसल नहीं रखा नहीं, उठ और 2 रखते अदा कर फिर बैठ। कब आया, दुराने खुतबा को आदमी आया, आपने सलातो सलाम अपने मिंबर पर जलवा फरोज है, खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं, दुराने खुतबा आता है, और आपने फरमाया पहले 2 रखते अदा कर फिर बैठ जा। तो मेरे अजीज दोस्त, को इसका भी ख्याल करना जरूरी है, इस हद तक कि खुतबा भी हो रहा हो तो 2 रखते अदा करके फिर बैठना चाहिए, सुतरा जो है वो नमाजी के आगे रखना, इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। सुतरा क्या है, इंसान नमाज पढ़ रहा है तो आगे कोई चीज रख ले ताकि कोई उससे आगे ना गुजरे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो तेरे आगे से गुजरेगा उसको पीछे धकेल दे, क्योंकि वो शैतान है, शैतान गुजर रहा है, शैतान ने उसको कहा कि भाई गुजर जा, इधर से गुजारने की उसने रगबत दिलाई है, तो ऐसे शख्स को जो तुम्हारे आगे से गुजर रहा है, अगर आप उसको दूर कर सकते हो तो धकेलने के अल्फाज उसको पीछे कर दो कि ना भाई मेरी नमाज को खराब ना कर, इससे आगे से ना गुजर। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नमाजी के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, आपने सलाम ने फरमाया अगर तुझे 40 दिन 40 महीने या 40 साल रुकना पड़े तो रुक जा, लेकिन नमाजी के आगे से ना गुजरना। कितना बड़ा गुनाह होगा कि जो इतनी रगबत दिलाई है
इतनी ताकीद फरमाई है मेरे अजीज दोस्तों भाइयों। इसलिए जब भी हम नमाज पढ़े, सहाबा का ये मामूल था, जब नमाज पढ़ते मस्जिद नबवी पाक के सुकूनों की तरफ दौड़ लगाते कि मुझे कोई सुकून मिल जाए ताकि वो मेरा सुतरा बन जाए और उसके पीछे नमाज पढ़े। इस तरह हमारे भी ये दो सुकून मौजूद है, तो कोशिश ये होनी चाहिए सुन्नत के ऊपर अमल हो जाए। इसी तरह मस्जिद के अंदर किसी गुमशुदा चीज का ऐलान नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने फरमाया अगर तुम्हें कोई नजर आता है कोई गुमशुदा चीज का ऐलान करते हुए मस्जिद में, तो कह दे कि लम अरद्दह अल्लाह, अल्लाह करे तेरी चीज मिलेगी उसको, ये मस्जिद इस काम के लिए नहीं है। तो आजकल मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हो जाते हैं फला की फला चीज गुम हो गई है, अगर किसी को मिली है तो दे दो, तो ये ऐलान करना मस्जिद के अंदर जायज नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह मस्जिद में खरीद व फरोख्त करना इसकी भी ममानत है, ये भी मस्जिद के आदाब के बिल्कुल मुनाफी है। मस्जिद से बाहर जाइए, मस्जिद के अंदर रह करके खरीद व फरोख्त की बात नहीं कर सकते, इमाम भी नहीं कर सकता, मुक्तदी भी नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। अगर खरीदो फरोख्त की बात है वो बाहर जा करके कीजिए। इसी तरह मस्जिद के अंदर बावाज़े बुलंद जो है बात करना, बोलना, तिलावत करना बावाज़े बुलंद, इसकी भी बिमानत है। वैसे कोई इंसान ऊंची बोले तो ये उससे भी अगला दर्जा है। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, किसी एक आदमी ने बात की, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्न कुल्लकुम मनाजिर रब्बहु फला युज़ियन्न बाज़ुकुम बाज़ा वला यरफ़ु बाज़ुकुम अला बाज़ि फिल क़िरात। अल्लाह के बंदो, तुम जिस रब को सुनाते हो उससे लोग सरगोशियां करते हैं, यानी जब इंसान ने हाथ उठाए हैं दुआ के लिए तो कितनी कोई ऊंची दुआ मांग रहा होता है, सारे मुंह में पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक बंदा ऊंची ऊंची लग पड़ेगा तो सब की इबादत में खलल आ जाएगा। इसलिए सारे जब सरगोशी कर रहे हैं तो तुम्हें चाहिए कुरान भी कोई पढ़ रहा है तो उसकी आवाज भी उसी तक रहे। इसलिए मस्जिद के अंदर आवाज़ बुलंद बोलना भी दुरुस्त नहीं है, और अजान होने के बाद मस्जिद से अगर वो निकल जाए तो ये भी मसाजिद की तोहीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक आदमी इसी तरह हुआ चला गया, अबू हुरैरा फरमाते हैं ये अबुल कासिम की नाफरमानी करके गया है। अबुल कासिम कौन है, यानी मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, तो फरमाया ये उनकी नाफरमानी करके चला गया। अजान हो चुकी है, कुछ दोस्त होते हैं कोई फोन आ गया तो कान को लगाते लगाते बाहर को चले गए, इधर जमात का वक्त है वो बाहर चले गए, ऐसा नहीं है। शैतान अजान सुन करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी हवा खारिज होती है अल्लाह की, जबकि बरियाई बढ़ाई गई उसको सदा मिलती है, वो भागता है मसाजिद से, आता है बड़े शौक शौक के साथ ताकि नमाजियों की नमाज का खराबा करे, लेकिन जब अल्लाह की बरियाई बढ़ाई होती है तो भाग जाता है। इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों नफल नमाज जो है वो घरों के अंदर अदा करनी चाहिए, लेकिन ये फर्ज है, मसाजिद सिर्फ उसके लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने घरों को जो है वो कब्रिस्तान ना बनाओ, ये खैर व बरकत का जरिया है कि अपने घर के अंदर नफल अदा करो, सुन्नतें जो है फर्ज नमाजों की वो भी अपने घरों के अंदर अदा करो, और मसाजिद के अंदर आकर बाजमात नमाज अदा करो। इल्लल मक्तूबा फर्ज नमाजें जो है मस्जिद के अंदर अदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मसाजिद से मोहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह अकबर इससे प्यार करने वाला, फिक्र करने वाला, इसकी आबादकारी की अल्लाह फिक्र करने की हमें तौफीक अदा फरमाए। दुनिया के अंदर जहाँ भी मसाजिद हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के घर हैं, और ये मसाजिद ही ऐसी जगह है, सारी जमीन जब फना खत्म हो जाएगी लेकिन मसाजिद की जगह जो है ये खत्म नहीं होगी, ये जन्नत है, जन्नत के अंदर आप आते हैं यकीनन, क्योंकि नबी रहमत सल्लम का फरमान है और इसको अल्लाह जन्नत के अंदर ही शामिल फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को इनका ख्याल करने वाला, एहतराम करने वाला और यहाँ कर इबादत करने वाला बनाए। वाकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।